नमस्कार दोस्तों, शेख सफारी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उम्मीद की कहानी है, आज की कहानी है विश्वास की कहानी है, श्रद्धा की कहानी है, निष्ठा की, साहस की कहानी है। आज की कहानी एक निडर योद्धा की कहानी है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, हमारे आज के वीडियो के यही हीरो है। इनका नाम भी वैसा ही है, हीरू ओनोडा। दोस्तों, ये कहानी आपको विश्वास करना सिखाएगी, इसलिए आज की कहानी बहुत खास है। ये एक सच्ची घटना है जो जब सामने आई तो लोगों के आंखों में आंसू आ गए। सामने भी कब आई, पूरे 30 साल बाद। बात हो रही है जापान के इंपीरियल आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर हीरू ओनोडा की, जो 30 साल तक अपने देश से दूर किसी जंगल की गुफा में रहकर अपने देश के लिए अकेले युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। हीरू ओनोडा जापान के मध्यम वर्गीय साधारण से युवक थे, जो 17 साल की उम्र में पेट भरने के लिए चाइनीज ट्रेडिंग कंपनी में काम करने लगे थे। 18 साल की उम्र में जापान की सेना में भर्ती हुए। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया गया। इसमें उन्हें गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसमें विकट परिस्थितियों में जिंदा रहने और छुपकर वार करने की कला सिखाई जाती है। और फिर वो दिन आया, 26 दिसंबर 1944। जापान ने ओनोडा और कुछ साथियों को फिलीपींस के ल्यूबांग आइलैंड पर छोड़ा। उनके कमांडर मेजर योशिमी तानुगुची ने आदेश दिया था कि आइलैंड के जंगलों में किसी भी तरह से गुजारा करके युद्ध जारी रखें, वक्त आने पर नारियल केले खाकर भी रहे लेकिन जिंदा रहे और दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करते रहे। अपनी जान खुद देने या सरेंडर करने से सख्त मनाई की गई थी। जंग जैसे ही खत्म होगी तब जापानी सेना उन्हें वापस लेने खुद आएगी, लेकिन तब तक युद्ध जारी रखे और छुप कर रहे। टापू पर उतरते ही सैनिकों ने 4-4 सैनिकों की टुकड़ियों में खुद को बांटा और जंगल में फैल गए। दुश्मनों ने उन पर हमला बोला। हमले में जापानी सैनिक मारे गए, लेकिन ओनोडो और उनके 3 अन्य साथी बच निकले और वे जंगल में और अंदर की ओर जाकर छुप गए। उधर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान पर बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा दिया, जिससे तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए थे, जिसके बाद जापान ने सरेंडर किया और 1945 में ही द्वितीय महायुद्ध खत्म हो गया। लेकिन टापू पर लड़ रहे इन सैनिकों को इस बात की भनक तक नहीं थी। वे जंग लड़ते रहे, कभी लोकल पुलिस से उनकी भिड़ंत हो जाती तो कभी खाने की तलाश में गांव वालों से उनकी लड़ाई हो जाती। नतीजतन उन्हें गांव वालों को भी मारना पड़ता था। अक्टूबर 1945 में हुए ऐसे ही एक हमले में गांव वालों ने खुद उन्हें बताया कि भाई, जंग तो कब की खत्म हो गई। अमेरिका ने 2 महाकाय बम जापान पर गिराए, जिससे 2 जापानी शहर राख में बदल गए, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और अब वे भी सरेंडर करके वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन ओनोडा और उनके साथियों को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कोई बम दुनिया में बनाए जा सकते हैं जो पूरे शहर को ही खत्म कर दे, और उन्हें ये भी विश्वास नहीं हुआ कि जापान जैसा देश कभी किसी युद्ध में सरेंडर कर सकता है। उन्हें ये दुश्मन की चाल लगी। वे और जंगल की सुदूर इलाके में छुपने लगे। लोकल पुलिस और फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भी लाउडस्पीकर पर उन्हें जंग खत्म होने की बात बताई, लेकिन ये सब उन्हें दुश्मन की चाल ही लग रही थी। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और 4 में से 1 सैनिक के धैर्य ने जवाब दे दिया। युची अकाटसू ने सरेंडर करने का निर्णय लिया। सितंबर 1950 में उसने सरेंडर किया। अब सिर्फ 3 ही बचे थे। ओनोडा को लगा कि फिलीपींस गवर्नमेंट अकाटसू के जरिए उनका पता लगा लेगी, इसलिए अब वे और चौकन्ना हो गए और अपनी जगह बदलते रहे। इस बीच जापानी सरकार ने भी सैनिकों के फैमिली फोटोज के साथ पर्चियां तैयार की और प्लेन से उन पर्चियों को जंगल पर फेंका गया। पर्चियां पढ़कर भी ओनोडा और उनके साथियों को उनमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखता था जिनसे उनको ये दुश्मन की चाल लगती थी। 1953 में
कुछ मछुआरों के साथ उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें शिमाड़ा को पाँव में गोली लगी। बाद में ओनोडा ने ही उसकी ट्रीटमेंट की। स्क्रीन पर दिख रहे इस फोटो में आपको एक कैंची भी दिख रही होगी, इसी से ट्रीटमेंट हुई थी। अगले ही साल 1954 में एक सर्च पार्टी के हमले में शिमाड़ा की मौत हो गई। अब बचे सिर्फ दो, यानी ओनोडा और कोजुका। स्क्रीन पर आप जो गुफा देख रहे हैं, इसी गुफा में दोनों 17 साल तक रहे और फिर 1972 में लोकल पुलिस ने कोजुका को दो गोलियां मारी और कोजुका का साथ समाप्त हो गया। ओनोडा अब अकेले थे। और फिर जैसे हर ज़रूरतमंद के लिए भगवान कोई ना कोई फरिश्ता भेजते हैं, वैसे ही एक फरिश्ता जापान से दुनिया की सैर पर निकला था। नाम था नोरियो सुजुकी। जी हाँ, आप जिसे देख रहे हैं ये वही है। ये एक जापानी स्टूडेंट थे जो तीन चीज़ें खोजने के लिए दुनिया की सैर पर निकले थे। दूसरे नंबर पर थी दुर्लभ जानवर प्रजाति पांडा, तीसरे नंबर पर थी बर्फ की यति यानी स्नोमैन, और अब आप पूछेंगे पहले नंबर पर कौन था। जी हाँ, पहले नंबर पर था हीरू ओनोडा का नाम। अब तक ओनोडो सारी दुनिया में लेजेंड बन गए थे। फाइनली सुजुकी ने टापू पर जाकर ओनोडो को ढूंढ ही लिया, लेकिन ओनोडो विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें यह भी दुश्मन की चाल ही लगी। सुजुकी ने बहुत समझाया और कुछ सबूत भी दिखाए कि युद्ध खत्म हुआ, लेकिन ओनोडा ने कहा, जब तक मुझे मेरे कमांडर का आदेश नहीं आता तब तक मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। आप जिस फोटो को देख रहे हैं ये उसी लम्हे की फोटो है जो सबूत के तौर पर सुजुकी ने खींची, ताकि वापस जाकर जापान को ये बता सके कि ओनोडो जिंदा है। ओनोडा की बात सुनकर सुजुकी वापस जापान गए और उनके कमांडर, जो अब किसी किताब की दुकान में काम कर रहे थे, उनको हकीकत बताई। कमांडर भी आने को तैयार हुए। अपने कमांडर को सामने देख ओनोडो ने सबसे पहले तो सल्यूट किया और फिर गले मिले। कमांडर ने सारी हकीकत बताई, तब ओनोडो बदहवास होकर रोने लगे। जिंदगी के 30 साल अपने देश से दूर, अपनी माँ अपने भाई से दूर, सिर्फ ये सोचकर बिताए कि जंग अभी जारी है। उसे ये सोचकर और भी दुख हुआ कि इन 30 सालों में उसने 30 बेगुनाह गाँव वालों को मार डाला था। सुजुकी और कमांडर ने ओनोडा का धीरज बंधाया। और फिर इसे देखिए, यही है वो ऐतिहासिक लम्हा जब ओनोडा अपने देश वापस चले। जाने से पहले उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कस के सामने सरेंडर किया और अपनी सामुराई तलवार वापस की, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ओनोडा का जापान में हीरो की तरह स्वागत हुआ। लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ओनोडा ने 30 साल पहले जिस जापान को छोड़ा था, अब वो हद से ज़्यादा मॉडर्न हो गया था। उन्हें अपनी धरती पर आने के बावजूद अपनापन नहीं दिखा। उन्होंने फैसला किया कि अब वो जापान में नहीं रहेंगे, वे ब्राज़ील में खेती करने चले गए। जापानी सरकार ने ओनोडा को पूरे 30 साल का वेतन दिया। तो जानते हो ओनोडा ने क्या किया? ओनोडा 1996 में वापस उसी टापू पर गए और $10,000 गांव वालों को दान कर दिया। कुछ लोगों की मिट्टी ही अलग होती है। इस समय आपके शरीर में जो रोमांच महसूस हो रहा है, जरा सोचिए कि इसे लिखते हुए और आपको बताते हुए मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा होगा। ओनोडा ने बाद में एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था नो सरेंडर माय 30-ईयर वॉर। 17 जनवरी 2014 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।